चल 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 पूरी तरह निकल आउट 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 शट शट जो दुनिया का ज्ञान है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो दुनिया का ज्ञान है उसमें ये ऐसे नहीं बताया जाता कि दुष्ट आत्मा नाम की भी एक चीज है। दुनिया के ज्ञान में ये नहीं बताया जाता कि दुष्ट आत्मा नाम की भी एक चीज है, क्योंकि ये तो चार साल से कितने परेशान थे, कितनी मेडिसिन खा रहे थे, पर कोई भी आराम नहीं मिला। बोलो क्या, क्योंकि दुष्ट आत्मा के बारे के पास कोई ज्ञान नहीं था। जब यहाँ पे आए यीशु मसीह, सबसे पहले इन्हें यीशु मसीह के बारे बताया गया, वो कौन है। तो इस बहन का नाम मंजीत है और जे मुदल कॉलोनी के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही जे बता रहे कि चार साल से जे बहुत परेशान थे और चार साल से इन्हें बहुत सी प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, जिसके कारण जे काफ़ी पीड़ित थे, काफ़ी परेशान थे। और जैसे ही इनको प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और जैसे ये इस मिनिस्ट्री में इन्होंने आना शुरू किया, तो इन्होंने बताया कि चार साल हो गए इनको टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम है, प्लस इनका बीपी जो है वो हाई रहता है बहुत ज़्यादा। इन्होंने मेडिसिन भी खाई, जो बता रहे कि कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था। जो बता रहे कि जो चार पाई पर ही रहते थे, कोई भी घर का काम नहीं कर सकता था, इनकी बेटी ही घर का काम करती थी, क्योंकि इनको इनकी बॉडी में इतनी वीकनेस हो गई थी टाइफाइड बुखार के कारण, क्योंकि चार साल से तो ये प्रॉब्लम थी, तो जिसके कारण ये काम नहीं कर सकते और बीपी भी इनका नॉर्मल नहीं होता था। इन्हें रोज़ ही बीपी की मेडिसिन लेनी पड़ती थी, इनका बीपी हाई रहता था और जिसके कारण ये काफ़ी परेशान थे। और फिर इन्होंने बताया कि इनको रात के समय बुरे बुरे सपने आते थे, जैसे मरे हुए लोगों के सपने आते थे और इनको दबाव भी पड़ जाता था, और जो कि नेगेटिविटी दुष्ट आत्मा इनके साथ गर्त रिलेशन भी बनाता था। और जो बता रहे कि जो काफ़ी परेशान थे, पर जैसे इन्होंने जो सब प्रॉब्लम बताई तो सबसे पहले इनको बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम से इनको कैसे छुटकारा मिलना है। तो इनको बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और कैसे है हमने विश्वास करना है, और इनको सब बताया गया। और फिर इन्होंने इनको बताया गया कि अगर आपके पास समय, जैसे आप संडे की मीटिंग में अभी आ रहे हो, अगर आपके पास आप कोई काम नहीं करें तो आपने इसके साथ थर्सडे की मीटिंग भी अटेंड करनी है, क्योंकि बीमारी के कारण, प्रॉब्लम के कारण जी कोई भी काम तो नहीं कर सकती। तो इन्होंने अपना मन बनाया और जी थर्सडे की मीटिंग भी अटेंड करनी इन्होंने शुरू की। और जैसे जी लगातार संडे थर्सडे की मीटिंग में आ रहे थे, और फिर जैसे इन्होंने पर्सनल परमेश्वर के दास के साथ जब इनकी मीटिंग हुई, तो जैसे इनको पहले टीच किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और कैसे विश्वास करना है, कैसे जे हमारे जीवन में सब प्रॉब्लम कैसे आई है, तो फिर और भी परमेश्वर के दास ने भी इनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया इनको। तो जैसे इन्होंने सीख लिया तो फिर जी लगातार विश्वास में बने रहे, धन्यवाद देते रहे। जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रेयर के बारे में इनको बताया गया कि अपने रोज़ ही प्रार्थना करनी है, और जो लगातार ही पर्सनल इन्होंने काफ़ी मीटिंग अटेंड की, क्योंकि इनके पास जब भी समय होता तो जो ऐसे पर्सनल मीटिंग में आ जाते थे और संडे और थर्सडे की मीटिंग तो जो अटेंड कर ही रहे थे। और जैसे इन्होंने सब कुछ ऐसे सीख लिया और जो कर रहे थे अपने जीवन में, और जो बता रहे कि जब इन्होंने 7 मई की मीटिंग को अटेंड किया तो उस दिन सबके लिए लैंड थी, और जैसे इनके लिए भी लैंड हुई और परमेश्वर के दास के द्वारा तो नेगेटिविटी दुष्ट आत्मा इन पर प्रकट हो गया। आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। शट शट गंदी आत्मा निकल इसके शरीर से, शट शट चल 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 पूरी तरह निकल
आउट 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 शट शट और जैसे ही दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, जब परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई, तो परमेश्वर की ग्रेस सामर्थ्य इनको छुआ। और जो फिर विश्वास करते रहे, इनको बताया गया कि जो प्रार्थना आपके लिए हुई है, आज से विश्वास करें, परमेश्वर आपको आज पूरी तरह से आजाद कर चुके। तो जैसे ही जो विश्वास करते थे, तो पहले परमेश्वर इनको टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम से आजाद किया, जो इनका बीपी हाई रहता था उससे भी परमेश्वर इनको आजाद कर दिया। इन्होंने कोई मेडिसिन ही बाद में खानी, जो बहुत ही खाते थे, परमेश्वर से इनको छुटकारा दिया। और प्लस जो इनको रात के समय बुरे बुरे सपने आते थे और इनके साथ रॉन्ग रिलेशन बन जाते थे, एक्टिविटी दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था, और प्लस इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे जकड़न रहती थी, दर्द रहती थी। और जो बता रहे हैं कि जैसी प्रेयर हुई, तो परमेश्वर ने सिर्फ पूरी नेगेटिविटी के प्रभाव से इनको आज़ाद कर दिया, और जितनी भी प्रॉब्लम थी बॉडी में उससे भी परमेश्वर इनको फ्री कर दिया। और आज इस बहन पूरी तरह से, जो 4 साल की प्रॉब्लम थी, इन्हें टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम थी, फीवर रहता था, बीपी की प्रॉब्लम थी, मेडिसिन खाते थे, और जब बता रहे कि अभी 2 महीने तो प्लस हो गया कि जे पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री हो चुके। अभी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, रात के समय इन्हें अच्छी नींद आती, कोई बुरा सपना नहीं आता, दबाव नहीं पड़ता, कोई रॉन्ग रिलेशन नहीं बनता, पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से आज फ्री कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे इग्लेसिया, जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। सुनो सुनो सुनो, क्यों परमेश्वर ने कहा है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग ज्ञान न होने के कारण क्या हो रहे। एक समय ये अपने तरीके से खुदा को याद तो कर रहे थे, उसका नाम तो ले रहे थे, पर इन दुखों से छूट नहीं रहे। कितनों को समझ आ रही, ये नहीं है कि ले नहीं रहे थे, इन्होंने एक नामदान ले रखा था। बोलो क्या, क्यों यीशु ने आकर लोगों का सत्य को जानो, सत्य क्या करेगा, क्योंकि यीशु किसी का धर्म नहीं, वो जीवन को बचाने के लिए है, जीवन को बदलने के लिए है, किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं। समझ आ रही है, ये 4 साल से बीपी के रोग से और टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम, टाइफाइड की बुखार से प्लस शैतान एक्टिविटी की पावर जो थी, रात के समय इनको गंदे गंदे अलग अलग तरह के सपने आते थे, मरे हुए लोगों के भी, और शैतान इनके साथ रॉन्ग रिलेशन बनाता था। पर जब ये प्रभु में नहीं थे, तो ये इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये क्या चीज है। क्योंकि जो दुनिया का ज्ञान है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो दुनिया का ज्ञान है उसमें ये ऐसे नहीं बताया जाता कि दुष्ट आत्मा नाम की भी एक चीज है। दुनिया के ज्ञान में ये नहीं बताया जाता कि दुष्ट आत्मा नाम की भी एक चीज है। इसलिए जो ज्ञान इनके पास था, इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी कि जो रात के समय शैतान मेरे साथ लॉन्ग रिलेशन संबंध बनाता है ये क्यों होता है, ये तो सपने समझते थे, इन्हें कोई नॉलेज नहीं। पर जैसे यहां पे आए, इन्हें गुड न्यूज दी, किसी ने सुसमाचार दिया। जिसने भी आपको ये सुसमाचार दिया है, जब भी आप प्रार्थना करते हो, तो उसके लिए भी, खुदा के लिए, उनकी उन्नति के लिए भी मांगा करो, क्योंकि ये बड़ी बात है। अगर मुझे कोई ना बताता, आपको ना बताता, बताओ तो जीवन मिलना था। 4 साल से परेशान जेम्सी, हां जी पापा जी, उन्होंने दुआ पहला करी दी है, जिन्होंने आपको सुसमाचार ये दिया है, जो आपको यहाँ पे लेकर आए, उनकी आप दुआ करते हो, वेरी गुड, उनको भी और आपको भी परमेश्वर बहुत आशीष देगा, बहुत देगा। सुनो 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 सुनो, क्योंकि ये तो 4 साल से क्या थे,
कितने परेशान थे, कितनी मेडिसिन खा रहे थे, पर कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। बोलो क्या है? क्योंकि दुष्ट आत्मा के बारे इनके पास कोई ज्ञान नहीं था। पर जब यहाँ पे आए यीशु मसीह, सबसे पहले इन्हें यीशु मसीह के बारे बताया गया वो कौन है। बोलो क्या है? वो कौन है, वो क्यों आया है, वो कौन है? वो ईसाइयों का खुदा है कि अंग्रेजों का है कि सारी दुनिया का है? इन्हें ये बताया गया, फिर इन्होंने इस सत्य को समझा, फिर ये समझाया कि यीशु मसीह क्यों मारा गया, गाड़ा गया और जिसने मुर्दों में से जी उठा, फिर ये समझाया, फिर इन्हें ये समझाया ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, जो दुष्ट आत्मा रात के समय आपके साथ ये रॉन्ग रिलेशन बनाता है, ये किसकी ओर से? फिर शैतान की उस ज्ञान को समझाया, खुदा के ज्ञान को समझाया। जब समझ गए, बोले क्या? समझ गए, विश्वास में आए, ले हैंड हुई। आज 2 महीने हो गए, कोई टाइफाइड नहीं, कोई बीपी का रोग नहीं है। जो इतनी मेडिसिन खा रहे थे 4 साल से, इतना परेशान थे, भक्ति करने के बावजूद भी छुटकारा नहीं मिल रहा था। आज 2 महीने हो गए, कोई रोग नहीं, कोई टाइफाइड नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई शैतान का कोई नामो निशान नहीं है। सब कुछ खुदा ने खत्म कर दिया है, आजाद कर दिया है। दोनों हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर तारीफ करो जोर से, जोर से। मेरे ये सूची दे, जोर दी क्या बात।